फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेस और आई एम योर फ्रेंड्स कशिश मेहरा टूडेज़ आवर टॉपिक इज़ इंश्योरेंस आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंश्योरेंस के बारे में जानने वाले हैं तो जैसे कि आप जानते हैं इंश्योरेंस की कई कंपनियां होती हैं न्यू इंश्योरेंस एलाइंस कंपनी लिमिटेड या एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तो एक्चुअली आज हमें जानना है कि इंश्योरेंस होता क्या है और इंश्योरेंस की प्रिंसिपल क्या होते हैं इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरली यूज टू हेल्प अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कॉन्टीजेंट और अनसर्टेन लॉसेज इंश्योरेंस एक्चुअली हम क्यों लेते हैं ताकि हम अपने फाइनेंशियल लॉस को रिकवर कर सकें या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो लॉसेस अनसर्टेन है कॉन्टीजेंट है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं वो रिस्क को हम कम कर लेते हैं इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर एंड इंश्योर इंश्योरेंस एक प्रकार से एग्रीमेंट होता है जिस किसके बीच में इंश्योरर के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में वेयर इंश्योर एग्री टू कंपनसेट जहाँ पे इंश्योरर एग्री करता है कि जो भी पर्सन को लॉस होगा इट मीन्स इंश्योरर इंश्योर्ड को अगर कोई लॉस होगा तो वो उसकी क्लेम करके देगा या भरपाई करके देगा द इंश्योर हैज़ टू पे सर्टेन फिक्सड अमाउंट इस बेसिस के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में तो उसके लिए उसको कोई ना कोई फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं प्रीमियम तो आइए देखते हैं कुछ टर्म्स जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस क्या होता है जैसे कि हमने अभी समझा दो लोग हैं एक इंश्योर्ड है एक है इंश्योर तो इंश्योर्ड कौन है द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लॉस जिसको लॉस का क्लेम मिल रहा है या जिसको प्रोटेक्शन मिल रहा है उसे हम कहेंगे इंश्योर्ड तो इंश्योरर कौन है द कंपनी हु इज गिविंग द पॉलिसी द फर्म और द पर्सन हु एग्री टू कम्पनसेट जो एग्री कर रहा है कि मैं कंपनसेशन करने के लिए रेडी हूँ उसे बोलते हैं हम इंश्योरर तो प्रीमियम क्या होता है जैसे कि अभी हमने देखा कि जो अमाउंट एक पर्सन को कंपनी को पे करनी पड़ती है फिक्स्ड पीरियड के लिए उसे हम बोलते हैं प्रीमियम पॉलिसी क्या होती है द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे इंश्योरर और इंश्योर ने कुछ टर्म्स और कंडीशन पे एग्रीमेंट किया है उसे हम कहते हैं पॉलिसी क्लेम क्या होता है इट इज डिमांड मेड बाय द इंश्योर टू द इंश्योर टू कंपनसेट फॉर लॉस किसी भी पर्सन को अगर कोई लॉस होता है और उसको भरपाई की जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्लेम प्रपोजल क्या है इट इज़ अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी देती है किसी भी पर्सन को तो उससे हम बोलते हैं प्रपोजल लेकिन हमें ध्यान में ये रखना है कि वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर क्या होता है सब्जेक्ट मैटर का मतलब है जिस बेसिस पे पॉलिसी ली गई है जैसे लाइफ पे या प्रॉपर्टी पे तो ये सब्जेक्ट मैटर क्या है सब्जेक्ट मैटर मीन्स जिसके ऊपर हमने पॉलिसी ली है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर आइए देखते हैं कुछ पॉलिसीज के प्रिंसिपल्स तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस की पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं सात सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फिथ इन ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी मस्ट हैव मोस्ट गुड फेथ टूवर्ड ईच अदर सबसे पहले तो अगर हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें एक दूसरे एक दूसरे के ऊपर इट मीन्स पार्टी का क्लाइंट के ऊपर और क्लाइंट को पार्टी के ऊपर गुड फेथ होना चाहिए मीन्स भरोसा होना चाहिए अगर भरोसा है तो ही हम पॉलिसी ले सकते हैं लेकिन एक बात क्लियर ये भी रखनी है कि दोनों ही पार्टी को क्लियरली सब कुछ मैंशन करना होता है सारी इंफॉर्मेशन क्लियर देनी होती है द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट एंड क्लियर करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर वहीं इंश्योरर को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छुपानी चाहिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है मिस्टर शांतनु हैड नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी आफ्टर हिज डेथ इंश्योरेंस कंपनी कम टू नो अबाउट हिज फैक्ट एज मिस्टर शांतनू हैज़ नॉट प्रोवाइडेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू गिव कंपनसेशन अगर आप सही टाइम पर सही पॉलिसी का डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो इट मीन्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो तो हो सकता है आपको क्लेम भी ना मिले सेकेंड प्रिंसिपल बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट जैसे कि नाम में ही पता चलता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर दोनों ही पार्टी इंश्योरर या इंश्योर दोनों ही पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड पॉलिसी निकाली गई है उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए द इंशॉर्ट मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्प्लीकेल टू ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे जनरल इंश्योरेंस हो कोई भी प्रकार का इंश्योरेंस है इंटरेस्ट कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रहेगा एग्जाम्पल दिया गया है अ पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी अगर कोई इंश्योरर है इंश्योरेंस मीन्स कंपनी है तो उसको इंटरेस्ट रहेगा कि सामने वाला पर्सन उसे प्रीमियम पे करेगा उसे प्रीमियम पे करेगा तो उसे कहीं ना कहीं उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी और वहीं किसी पर्सन ने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो इस बेसिस पे उसका इंटरेस्ट रहता है कि उसको कही न कहीं ना कहीं क्लेम मिलेगा तो अगर उसको क्लेम मिलेगा या उसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इंडेमिनिटी मीन्स कि यहाँ पर आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आपको कोई लॉस हुआ अनसर्टेन इवेंट होने पर तो आपको उसका क्लेम भी मिलेगा लेकिन अब हमारे लिए एक यहाँ पे एक ज़रूरी बात ये हो जाती है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता ये पॉइंट आपको ध्यान से रख ध्यान देना है इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे क्लेम नहीं होता उसका एक रीज़न है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते लेकिन जितनी की पॉलिसी उसने ली है उतनी पेमेंट उसको जरूर मिलेगी जैसे कि अगर हमने फायर इंश्योरेंस लिया है फायर लगने पे जो लॉस होगा उतना क्लेम पर सामने वाली पार्टी को मिलता ही है मराइन इंश्योरेंस लेते हैं जो कि रिलेटेड रहता है शिप्स के थ्रू कार्गोस के थ्रू तो वहाँ पे भी आपको क्लेम मिलता है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में हम किसी भी लाइफ को वैल्यू नहीं कर सकते जज नहीं कर सकते इसलिए इंश्योरेंस का प्रिंसिपल जो इनडेमिटी का है वो लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉपर्टी इज़ इंश्योर्ड फॉर टू लाख एंड इफ़ द लॉस बाय फायर इज़ वन लाख, देन द इंश्योरेंस क्लेम फॉर द कंपनसेशन इज़ वन लैख ओनली क्योंकि जितना नुकसान उतनी ही क्लेम मिलेगी नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सबोगेशन दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट चाहे जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो एज पर दिस प्रिंसिपल आफ्टर द इश्योर इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर देन द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासिस टू द इंश्योर इट मीन्स यहाँ पर जो कंपनी है वो आपको क्लेम तो पूरा कर देती है लेकिन आपको क्लेम करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी रहेगी जिसके लिए उन्होंने क्लेम किया है वो प्रॉपर्टी कंपनी के पास चली जाएगी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनी आपकी प्रॉपर्टी को ले लेगा क्योंकि उसने आपको क्लेम कर दिया है दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली वैन द डैमेज प्रॉपर्टी हैज़ एनी वैल्यू आफ्टर द इवेंट कॉजिंग डैमेज किसी प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया है और डैमेज होने के बाद उसकी कुछ वैल्यू रह जाती है फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस हुआ और फायर इंश्योरेंस होने के बाद अगर कुछ वैल्यू रह जाती है सामान की गुड्स की तो वो पूरी की पूरी कंपनी उस सामान को ले लेती है और उसके बदले में आपको कंपनसेशन कर देती है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ऑन्स टू व्हीलर उसके मिस्टर ए के पास टू व्हीलर है द व्हीलर व्हीकल वॉज स्टोलन एंड सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए फल्ड अ कम्प्लेन इन द लोकल पुलिस स्टेशन कब मिस्टर ए ने कम्प्लेन की लोकल पुलिस स्टेशन में अपॉन रिसिविंग रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस द इंश्योरेंस कंपनी ने कम्पनसेशन कर दिया क्योंकि उसका व्हीकल लॉस हो चुका था मिस्टर ए ने कम्पन मिस्टर ए को कम्पनसेशन मिल गया है तो बाद में जब अगर स्टोलन व्हीकल मिल जाता है तो व्हीकल किसका होगा वहीकल होगा कंपनी वालों का नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू अगेन ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट मे बी लाइफ इंश्योरेंस और इट मे बी जनरल इंश्योरेंस अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अगर किसी भी पार्टी ने एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर समझिए एक कार है और कार के ऊपर जो है इंश्योरेंस निकाला है दो या तीन पॉलिसी से तो तब क्या होगा तो उनको उतना ही पेमेंट मिलेगा जितना लॉस हुआ है वो हर कंपनी से इक्वल वैल्यू नहीं ले सकते एग्जाम्पल दिया है पे मिस साइली इंश्योर हिज प्रॉपर्टी टू लैक फिफ्टी थाउजेंड विथ टू इंश्योर विथ टी इंश्योरेंस कंपनी फॉर वन लैख एंड आर इंश्योरेंस कंपनी फॉर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो मिस सायली ने दो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है जो कि है वन लाख ,00 की और वन लैख फिफ्टी थाउजेंड की जो कि उसकी प्रॉपर्टी को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया इफ़ मिस सायली प्रॉपर्टी इज़ डिस्ट्रॉय एंड लॉस्ट इज़ वर्थ रुपीज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड देन बोथ इंश्योरेंस कंपनी विल पे क्योंकि जिस हिसाब से इंश्योरेंस निकाला था टू फिफ्थ और थ्री फिफ्थ के रेशियो में तो कंपनी भी उसे उसी पेमेंट में करेगी टू फिफ्थ और थ्री फिफ्थ के रेशियो में नेक्स्ट सिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब होता है अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई भी लॉस देखती है या इंश्योरर कोई भी लॉस देखता है यहाँ पे अगर किसी पार्टी ने लॉस देखा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए लॉस को कम से कम करने की इंश्योरेंस मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट द इंश्योर मस्ट टेक ऑल द पॉसिबल मेजर्स एंड नेसेसरी स्टेप टू कंट्रोल और रिड्यूस द लॉस हमेशा एक इंश्योर इन uh, शॉर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ कुछ लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मिनिमम करने की कोशिश करें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मिस्टर जैन कैन नॉट रिमेन पैसिव एंड मस्ट ट्राई टू सेव हिज बेस्ट हाउस अगर मिस्टर जैन के घर को आग लग रही है किसी भी कारण से इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से या किसी भी कारण से तो वो चुपचाप नहीं बैठना चाहिए उसे एक्टिव रहना चाहिए और उस जलती हुई आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रोक्जिमा प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रोक्मा का मतलब होता है वेन अ लॉस इज कॉस्ड बाय मोर देन वन कॉसेस अगर लॉस हुआ है किसी एक से ज़्यादा कारण की वजह से तो सबसे सामने वाला कॉज या जो मेन कॉज है वो हम चेक करेंगे देन द प्रोक्मेट कॉज ऑफ लॉस शुड बी टेकन इंटू कंसिड्रेशन टू डिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस तो जो सबसे मेन कॉज रहेगा उस पर हम फोकस करेंगे और तब सामने वाली कंपनी ये चेक करेगी कि लॉस की भरपाई किस बेसिस पे होनी चाहिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है अ हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट हमने हाउस को इंश्योरेंस किया है लेकिन थेफ्ट का इंश्योरेंस दिया हुआ है देर वॉज थेफ्ट इन द हाउस चोरी हुई घर पे और बिफोर लीविंग द हाउस द हाउस वॉट सेट ऑन द फायर बाय थेफ्ट मतलब चोर ने चोरी की और घर को आग लगा दी नाउ देर वॉज टू कॉजेस दो लॉस हुए हैं एक तो चोरी हुई एक तो आग लगी एंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस वॉज फायर और नियरेस्ट कॉज क्या रहा फायर एज द हाउस वॉज इन्श्योर्ड अगेंस्ट द थर्प्ट एंड नॉट बाय फायर द इन्श्योर विल नॉट गेट एनी कंपनेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस बाय फायर बट ही विल गेट द कम्पनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ड बाई थर्प्ट मतलब चोरी की हुई प्रॉपर्टी के बारे में उसको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी लेकिन जो फायर लगी उसका कंपनसेशन नहीं होगा तो ये है कॉज ऑफ प्रॉक्सीमा जिस कारण से लॉस हुआ है उसकी ही भरपाई होगी बाकी किसी कारण की नहीं तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जो कि दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे भी और जनरल इंश्योरेंस पे भी होपे फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो इससे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू